पांच लोगों से ज्यादा मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाना। पांच लोगों से ज्यादा मंदिर में पूजा के लिए मत जाना। अगर छठा व्यक्ति चला गया तो सरकार से कोरोना का जो एग्रीमेंट हुआ है वो रद्द हो जाएगा और कोरोना अटैक कर देगा। आप सोच रहे होंगे ये हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। सरकार ने दारू के ठेके खोल दिए, अब तो सरकार सिनेमा हॉल भी खोलने की तैयारी में है, लेकिन मंदिर और मस्जिद में पांच लोगों से ज्यादा व्यक्ति नहीं जा सकते। शादी में भी 50 लोग जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। सरकार से एग्रीमेंट कोरोना का हो चुका है कि 50 लोग जा सकते हैं, उन्हें कोरोना टच नहीं करेगा। लेकिन अगर मंदिर और मस्जिद में पूजा या इबादत के लिए छठा व्यक्ति भी चला गया तो कोरोना का सरकार से किया गया एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा और कोरोना उन लोगों के ऊपर हमला कर देगा। बात है मेरठ की। मेरठ में ईद और रक्षाबंधन को लेकर क्षेत्रवासियों के साथ बैठक की गई है। मेरठ में ईद और रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर थाना सदर बाजार में क्षेत्रवासियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अपर नगर मजिस्ट्रेट सुनीता सिंह, क्षेत्र अधिकारी कैंट हरी मोहन सिंह और सदर बाजार प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सुनीता सिंह ने सभी क्षेत्रवासियों से अपील की और उनको जागरूक किया कि त्योहार के दिन कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम ना करे जिससे प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़े, और लोगों से अपील की कि मस्जिदों में पांच व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति नमाज अदा ना करें। यहां आपको याद दिला दें, शादी में 50 लोग जा सकते हैं, मस्जिद में पांच लोग से ज्यादा व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ सकते। मंदिर में पांच लोग से ज्यादा बंदे जाकर पूजा नहीं कर सकते, लेकिन दारू के ठेकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगा सकते हैं। यहां तो ऐसा लगता है कि जैसे कि धार्मिक कार्यों से ही कोरोना को चिल है और पांच लोगों का एग्रीमेंट कोरोना से सरकार का हुआ है। अगर पांच से ज्यादा बंदे चले गए तो एग्रीमेंट टूट जाएगा, लेकिन वही एग्रीमेंट शराब के ठेकों पर शादी विवाहों में लागू नहीं होता। वहां पर इन पांच को बढ़ाकर कोरोना ने 50 लोगों की छूट दी हुई है। चलिए आते हैं अब खबर की ओर। सभी लोग अपने त्योहारों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही रहकर मनाए, ये कहना था अपर नगर मजिस्ट्रेट का, जहां सभी क्षेत्रवासियों ने अपर नगर मजिस्ट्रेट सुनीता सिंह को आश्वासन दिया कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पुलिस प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़े, और अपने त्योहार को अपने घरों में रहकर ही खुशी से मनाएंगे। अब खुशी से कैसे मनाएंगे ये तो वही लोग जाने, या कि लोगों का ये आश्वासन सिर्फ लाठी और डंडे के बेस पे आधारित था। जो आज मीटिंग ली गई है, किस संबंध में मीटिंग ली गई है आज थाना सदर बाजार में? आज रक्षाबंधन और अपील के संबंध में मीटिंग ली गई है, और